थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हीट क्या चीज़ है सबको पता है, इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला, हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस है। जूल मैकेनिकल ऑफ हीट में ये बताया जाता है कि हीट कैलरी से जूल, जूल से कैलरी कन्वर्ट की जा सकती है। 15 कैलरी की हीट को जूल में कन्वर्ट करना है 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जूल को अगर कैलरी में कन्वर्ट करना है 4.2 से डिवाइड कर दें। नेक्स्ट है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री में बस ये फॉर्मूला सफिशियंट है कि कैसे सेल्सियस से फेरनहाइट कन्वर्ट किया जा सकता है और फेरनहाइट से केल्विन, ये तीन फॉर्मूलाज मोर देन सफिशिएंट एनसीईआरटी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन में, चीजें तीन तरीके से एक्सपैंड होती हैं। कोई भी चीज एक्सपैंड होती है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर लेंथ वाइज एक्सपेंशन है उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, अगर गर्म करने पर सर्फेस एरिया बढ़ गया तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं, और ऐसे अगर वॉल्यूम बढ़ गया उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। तो तीन किस्म के एक्सपेंशन है। पहला लेंथ वाइज एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला याद रखें, एल डैश इज एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल्फा इज कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल में अगर एरिया वाइज इंक्रीज होता है सर्फेस एरिया तो एस डैश इज एस इंटू वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, बीटा का मतलब कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये फॉर्मूला तीन याद रखने हैं, कोई प्रूफ नहीं है, मैं सोचना सुबह उठ के पढ़ूंगा या ऐसा है, कुछ नहीं आएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन गामा निकालना है आइडल गैस का। गैस जब एक्सपैंड होती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ता है आइडल गैस का, पी इज इक्वल टू एनआरटी, क्लियर है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेल्टा वी तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा डेल्टा टी। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, एनआर से एनआर, पी से पी कैंसिल, तो ये टर्म आ जाएगी। मैंने आपको अभी बताया था कि वी डैश की वैल्यू क्या होती है, वी डैश की वैल्यू होती है वी इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, या फिर वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, या वी डैश माइनस वी इज डेल्टा वी इज वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू क्या आएगी, गामा इंटू डेल्टा टी। इस डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे पुट कर दें, पुट करके गामा की वैल्यू क्या जाएगी, 1.T, तो यहां से ही वैल्यू आएगी। अगर मान लो आइडल गैस का गामा पूछ ले तो 1. टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है ये आ सकता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। आप एक क्यूब लें, क्यूब की साइड एल है तो वॉल्यूम एल क्यूब है, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ एल डैश हो गई, एल डैश का फॉर्मूला अल्फा की फॉर्म में हमें पता है, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, वी डैश इक्वल टू एल डैश का क्यूब, एल डैश की जगह ये वैल्यू पुट करके टर्म आ गई। इसे ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab, इसे ओपन करेंगे तो पूरी टर्म आ जाएगी। अल्फा बहुत छोटा होता है तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब कैन बी निगलेक्टेड, ये तो और भी छोटे हो जाएंगे, इन दोनों टर्म्स को निगलेक्ट करके ये टर्म आ गई। ये ओरिजिनल वॉल्यूम वी है, यहां से भी लेफ्ट पे आ गया तो वी डैश माइनस वी की ये टर्म आ गई, लेकिन ये टर्म अल्फा की टर्म में आई। हमने वी डैश का गामा की टर्म में ये फॉर्मूला किया है, इसे ओपन करें, वी डैश माइनस वी का ये फॉर्मूला आ गया, ये वी डैश माइनस वी गामा की टर्म में है, ये वी डैश माइनस वी अल्फा की टर्म में है, दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके आंसर आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, एक लाइन लिख दें, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, तो लिख दें अल्फा बाई 1 इज बीटा बाई 2 इज गामा बाई 3 आंसर, ये प्रूफ आ सकता है। इसके बाद ये कुछ नहीं करना आपने, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड आपने कुछ नहीं करनी, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड नहीं करनी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे चेंज होती है किसी सब्सटेंस की, ये फॉर्मूला याद रखें, रो डैश रो 1 माइनस गामा इनटू डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी कम होती है, सफिशिएंट है, कुछ नहीं है इसमें से। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन तो करने हैं, मुझे पता नहीं क्या आएगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये लगता है, टी इज इक्वल टू 2π√LYg वाला क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर क्या करना है, एक क्लॉक का पेंडुलम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2π√LYg, ये पेंडुलम है जो करेक्ट टाइम दिखाता है जब टेम्परेचर लेंथ का 20°C है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 40 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज होगी। तो टी इज इक्वल टू 2π√LYg में लेंथ जब इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, जब लेंथ इंक्रीज होगी टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा वो लॉस माना जाएगा, क्योंकि अब पेंडुलम ज्यादा समय लगा रहा है मूव करने में तो वो लॉस है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता है, टाइम पीरियड कम होता है तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, तो उसे बोलते हैं गेन इन टाइम पीरियड। तो पूरे दिन में कितना चेंज होगा टाइम पीरियड का, ये वैल्यू निकालनी है।
इसको निकालने का मैंने आपको, इसमें तो थोड़ा लंबा मेथड, आपको छोटा मेथड शायद बुकलेट में लिखवाया था मैंने, एरर वाला मेथड करवाया था। तो क्या बताया था, टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लिख लें, एरर का रूल लगाएं, डेल्टा टी बाई टी हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल की वैल्यू कैसे लिखनी है ये आपको बताया था, एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल डैश एल प्लस एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, इसे माइनस करेंगे डेल्टा एल एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एल की जगह वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी बाई एल, एल से एल कैंसल, आपको क्वेश्चन में एल्फा पता है, डेल्टा टी 40 माइनस 20 20 डिग्री सेल्सियस पता है, पूरे दिन का मतलब 24 इंटू 60 इंटू 60 हो जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करके डेल्टा टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसे चेंज इन टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड अगर टेम्परेचर चेंज है तो। इसके अंदर जो नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, ये तो कॉम्पिटिशन की शीट है सारी, ये नहीं करना, ये लिक्विड एक्सपेंशन नहीं करना, कुछ नहीं करना है इसमें। वैसे मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई है ऑलरेडी ताकि आप गुम ना जाएं उसमें। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट, बस इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, सीधी बात करते हैं। अगर मान लो कोई सब्सटेंस MKG का सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो मैंने कितनी हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए फॉर्मूला लगाई MC डेल्टा टी, यहाँ सी छोटा सी है, छोटे सी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर आपको ये मोल्स की फॉर्म में गिवन है N, तो हीट का फॉर्मूला NC डेल्टा टी, वेयर C इज मोलर स्पेसिफिक हीट और ये C बड़ा C है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में बड़ा C यूज करेंगे और नॉर्मल स्पेसिफिक हीट में छोटा C यूज करेंगे, बस। दूसरी चीज में ये पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो ये बताता है, एक गर्म बॉडी को ठंडी बॉडी में मिक्स करेंगे तो दे विल अटेन एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो गर्म बॉडी हीट को लूज करेगा, ठंडी बॉडी हीट को गेन करेगा, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड का फॉर्मूला आ गया, बात खत्म हो गई। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने की बात करते हैं, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया कुछ नहीं करना आपने, ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज की बात करते हैं, तो टॉपिकल लेटेंट हीट, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है या वाटर आइस में कन्वर्ट हो रही है, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है एट सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है हीट आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए या वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, Q is equal to ML where L is latent heat of fusion. सेम कॉन्सेप्ट अगर वाटर और स्टीम में लगे तो Q is equal to ML where L is latent heat of vaporization. ये याद रखना है आपने। इसके ऊपर बेस्ट जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आपके पास आइस है -150 पे, आपको गर्म करके स्टीम बनाना है +150 पे, तो कितनी हीट देनी पड़ी, स्टेजेस लिखें, आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे बनेगी, फिर वाटर बनेगा, फिर गर्म पानी बनेगा, गर्म पानी से गर्म स्टीम बनेगी और फिर 150 स्टीम बनेगी। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे टेम्परेचर चेंज करने का, तो क्यू इक्वल टू MC डेल्टा टी, डेल्टा टी में बड़े में से छोटा टेम्परेचर हमेशा माइनस करना है, फाइनल इनिशियल के चक्कर में नहीं पड़ना, बड़ा जीरो है छोटा है -150 से, ये MC डेल्टा टी। स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होगी तो हीट का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू ML, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MC डेल्टा टी, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है क्यू इक्वल टू ML, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्यू इक्वल टू MC डेल्टा टी, ऐड करके टोटल हीट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स आपको इसमें ट्राई करने पड़ेंगे, ये सब न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं इसमें। मेन इसमें अब जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कंडक्शन में और एक रेडिएशंस में। कंडक्शन में सॉलिड्स जो गर्म होते हैं, मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्टर के अंदर, वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है, जब एटम 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 से ट्रांसफर हो रही है। और रेडिएशन में कोई मीडियम चाहिए नहीं होता, ऐसी जो है बिना किसी मीडियम के एटम के हीट ट्रांसफर हो जाती है। कंडक्शन के अंदर आपको एक फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ये फॉर्मूला है कि अगर ये फॉर्मूला रादर ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपको ये बता रखा है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर T1 है और इस बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर T2 है, तो हीट यहाँ से यहाँ एंटर कर रही है T1 माइनस T2, तो कितनी हीट जा रही है उसका फॉर्मूला याद करना है। ये प्रूफ वाला मत पढ़ना शुरू कर देना, कुछ नहीं आएगा प्रूफ करना, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। K इज कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो ये बताता है
मटेरियल कितना गुड और कितना बैड कंडक्टर है, के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो यहां का एरिया क्या है क्रॉस सेक्शन का ए, टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम अपॉन इनके बीच में दूरी एक्स, कितना डिस्टेंस क्या है एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये फॉर्मूला याद करना है। तो इतनी ही ट्रांसफर होगी इतने समय में, इसमें टाइम को नीचे ले जाओ तो क्यू बाय टी की रेशियो आएगी, इसको बोलते हैं हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड को हीट करंट भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके अंदर ये कुछ नहीं करना आपको, एप्लीकेशन कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, जैसे ये क्वेश्चन है सीधा न्यूमेरिकल पे आएंगे इसके फॉर्मूला और सा न्यूमेरिकल। इसके अंदर ये गिवन है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताओ, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब हीट अपॉन टाइम बताओ, कहां से एक ग्लास विंडो है, जैसे ये माइक नहीं है ग्लास की विंडो है, जैसे नॉर्मल विंडो लगी हुई ग्लास, तो यहां से हीट इसके अंदर से पेनिट्रेट करके निकलने वाली है और थिकनेस इसकी इतनी है 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस है, व्हेन टेम्परेचर इनसाइड 37 डिग्री सेल्सियस है एंड आउटसाइड -5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बाहर बर्फ पड़ी हुई है -5, अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर की हीट ग्लास से निकल के बाहर जाने वाली है, तो कितनी हीट जा रही है पर सेकेंड ये बताओ। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला ये वाला, आपको क्यू बाई टी निकालना है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी के आपको पता है, एरिया आपको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लास का पता है, टेम्परेचर डिफरेंस में बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़ा कितना है 37, छोटा कितना है -5, डिफरेंस क्या है 42, और थिकनेस में क्या पुट करेंगे ग्लास की थिकनेस जहां से पेनिट्रेशन हो रही है एक्स की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी के इस टाइप का न्यूमेरिकल या इस टाइप का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तरफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और एक तरफ 0 डिग्री सेल्सियस है, बीच में दो रॉड लगी हुई हैं जिनका एरिया सेम है, जिनकी लेंथ भी सेम है, हीट ट्रेवल करेगी 100 से 0 तक और हीट अपॉन टाइम और स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों रॉड में विल रिमेन सेम, क्यू बाई टी की वैल्यू सेम है, तो यहां पर क्यू बाई टी यहां पर क्यू बाई टी सेम है। अब इस पूरे प्रोसेस में इनका इंटरफेस का, इनका कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर टी है, टी निकाल दो क्या है, तो आप एक काम करेंगे Q by T यहां पर, Q by T यहां निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहां का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस T और यहां का कितना है T माइनस 0। तो ये देखो फर्स्ट रॉड के लिए K1 एरिया सेम है, 100 माइनस T टेम्परेचर डिफरेंस है अपॉन X, दूसरे के लिए थर्मल कंडक्टिविटी K2 एरिया A है, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0 बाय X, इक्वेट करके T की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये प्रॉब्लम्स को आपने ट्राई करना है थर्मल कंडक्टिविटी की, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर ज्यादातर न्यूमेरिकल ही देखे गए हैं। इसके बाद जो ये शीट भी इंपॉर्टेंट शीट है, ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ये कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको इसमें। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के ऊपर देखो क्वेश्चन को बनता नहीं है, कुछ नहीं है कन्वेक्शन, तो कुछ नाम अत्री ऐसे बताया हुआ है, मेन जो चीज है वो है इसमें रेडिएशंस। रेडिएशन में अ प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, बिना जो मीडियम है उसको बिना गर्म किए, जैसे एयर भी नहीं चाहिए इसमें, एयर के एटम भी नहीं चाहिए, ऐसी सेक चला जाएगा इंफ्रारेड रेज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो, इनको मीडियम चाहिए नहीं होता ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले एक थ्योरी है जो पेपर में कभी आती नहीं, जिसका नाम है प्रीवॉस थ्योरी, बताई जाती है, आती नहीं है, मैंने आप देखी नहीं है, पर फिर भी डर के पढ़ाता हूं तो बता देता हूं अगर आ गई तो ठीक, इसलिए बता रहा हूं। प्रीवॉस थ्योरी ये बताती है कि कोई भी बॉडी इस दुनिया में हीट कॉन्टिन्यूसली छोड़ रही है अपने अंदर से और ले भी रही है सराउंडिंग से, तो अगर मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी हीट को रिलीज भी कर रही है और हीट ले भी रही है, अगर हीट लेना और छोड़ना बराबर रेट है, पर हीट लेना और छोड़ने का रेट बराबर है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन अगर मैंने हीट ले ज्यादा ली और छोड़ी कम तो मुझे गर्मी लगेगी, और अगर छोड़ ज्यादा दी ली कम तो मुझे ठंड लगेगी, जैसे आपको ठंड लग रही है, तो आपकी बॉडी हीट को ले कम रही है और छोड़ ज्यादा रही है, ठीक। तो ये केस है। नेक्स्ट है, इसमें जो नेक्स्ट है वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कोई कहता है सिलेबस में है, कोई कहता है सिलेबस से कट गया। अब इस कॉन्ट्रोवर्सी की कहानी सुन लो, अभी मेन्स के पेपर दे के आए हैं लोग, तो मेरे को कल एक स्टूडेंट आया, वो बोला सर दो क्वेश्चन आए जो सिलेबस में कटे हुए थे लेकिन फिर भी डाले, क्या इलाज है? पता नहीं क्या इलाज है, पहली बार ऐसा हुआ है सिलेबस एकदम इमीडिएटली कटा है उनका, लेकिन उन्हें फिर भी डल गए या जैसा भी हुआ मिलते जुलते डल गए, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डले हैं, तो डल गए तो हम भी देख लेते हैं, आप टीचर ना सिलेबस देखे तो
और पूछ ले न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो बता देता हूं दो लाइन में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है क्या। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि अगर कोई भी एक चाय का कप, कोई भी गर्म बॉडी है, वो अपने अंदर से हीट को बाहर फेंकेगी, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, और ठंडे की तरफ हीट जाएगी और अपने टेम्परेचर को वो डाउन कर लेगी। चाय का कप है, गर्म है, वो ठंडा हो जाएगा। तो गर्म बॉडी जब सराउंडिंग में रखी जाएगी तो हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी। ठीक, तो इसके अंदर इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जो भी वो हीट रिलीज करेगी पर सेकेंड, वो डिपेंड करेगा बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस पे। जैसे ये रेट ऑफ लॉस है, डी क्यू बाई डी टी लॉस ऑफ हीट होता जा रहा है, और ये लॉस है तो साइन नेगेटिव लगेगा, और ये डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे, किसके टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है टी, सराउंडिंग का कितना है टी नॉट। तो ये रूल है, कॉन्स्टेंट के लगेगा, जो मटीरियल के लिए डिपेंडेंस मटीरियल पर डिपेंड करता है, बाकी के कॉन्स्टेंट है। यहां तक रोक लें। जब बॉडी का टेम्परेचर डी टी चेंज होगा तो डी क्यू हीट उसमें से निकलेगी, तो डी क्यू क्या होगा, एम सी डी टी, टाइम से दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेंगे, इस डी क्यू बाई डी टी की पूरी वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देंगे, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, यहां से डी टी बाई डी टी की ये टर्म आएगी, के एम और सी कॉन्स्टेंट से नया कॉन्स्टेंट आएगा। तो कायदे से तो ये फॉर्मूला बन गया, बस यहां तक भी लिख सकते हैं, आगे नहीं लिखना चाहते मत लिखें, यहां तक लिख दें। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ नहीं है, इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। आगे लिख सकते हैं तो कैसा कर सकते हैं, टेम्परेचर वाली टर्म को एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, इसे इंटीग्रेट करें। इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट है, और इसकी माइनस के टी और कॉन्स्टेंट सी। लॉग जब राइट साइड पे जाता है तो ये बेस इधर आ जाएगा, माइनस के टी प्लस सी, और यहां से टेम्परेचर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे यहां तक छोड़ देंगे तब भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर जैसे कोई भी न्यूमेरिकल अगर आया तो ऐसा आएगा कि अगर मान लो टेम्परेचर किसी बॉडी का 60 से 40 हो गया 7 मिनट में, तो नया टेम्परेचर क्या होगा अगले 7 मिनट में। आप फॉर्मूले को लिखें, डी टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर 60 माइनस 40, डी टी का मतलब टाइम 7 मिनट, यहां पर टी का मतलब क्या है, एवरेज टेम्परेचर 60 प्लस 40 बाई 2, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 10। फिर सेकेंड केस में 40 माइनस टी 7 मिनट में, और एवरेज टेम्परेचर क्या है 40 प्लस टी बाई 2 और माइनस 10। इन दोनों को डिवाइड करके टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, सेकेंड मेथड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक बड़ा वो इरिटेट करता है लोगों को पढ़ते हुए काफी, जब ये पढ़ा जाता है थ्योरी को लेके। पर जब ये चैप्टर हुआ था तो मैंने आपको ना 5-6 कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दी थी, और बस उतना ही कर लें, सफिशियंट है, वही करने जा रहा हूं। तो इसके अंदर रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, इस टॉपिक के अंदर पहली चीज ये बताई हुई है कि अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी पे गिरती है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ ट्रांसमिट करता है। तो टोटल हीट क्यू आर रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी कंजर्वेशन लग जाती है। अगर मैं क्यू से दोनों साइड्स को डिवाइड करूं तो मेरे पास ये टर्म बनती है, ये टर्म बन जाएगी इक्वल टू वन। ये स्मॉल आर है, ये ए है और ये टी है, इक्वल टू वन। तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, इसको रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इसको एब्जॉर्प्टेंस बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, इसको ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी डेफिनेशन में इसमें पहली जो डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है ए। ए का मतलब है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। दूसरी डेफिनेशन है स्मॉल ई। स्मॉल ई का मतलब है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर का मतलब होता है कि एनर्जी एनर्जी एमिटेड एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए। और दूसरा कैपिटल ई, कैपिटल ई का मतलब है एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सेम चीज है, किसी भी ब्लैक बॉडी को छोड़ के किसी भी बॉडी के लिए स्मॉल ई एमिसिव पावर है। और मतलब एमिसिव पावर का क्या होता है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और कैपिटल ई का मतलब पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। डेफिनेशन सेम है, बस कलर डिफरेंट है। और एक है एमिसिविटी, एमिसिविटी है इन दोनों की रेशियो। एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी
डिवाइडेड बाई एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये तीसरी डेफिनेशन है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, वन। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी भी क्या होती है, वन। तो ये डेफिनेशन क्लियर है। स्मॉल ई का मतलब, कैपिटल ई का मतलब तो सेम ही है, पर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक नॉर्मल बॉडी के लिए है और इमिसिविटी स्मॉल ई बाई कैपिटल ई है। ठीक। नेक्स्ट है इसी के अंदर किरचॉफ लॉ। देखो किरचॉफ लॉ ये बताता है किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर की रेशियो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। यानी कि जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिट भी करेगा। जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा एमिट कैसे करेगा। नेक्स्ट है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ सिंपल ये कहता है कि फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई फॉर इमिसिव पावर, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी वो एमिट करता है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी का है। फॉर एनी बॉडी, किसी और बॉडी के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो क्या आएगा आंसर, इसको एमिसिविटी से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो इसको एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 है तो आंसर सेम बन जाता है। अब कई बार क्या होता है, ये बॉडी कभी कभी कहां पर पड़ी होती है, सराउंडिंग के अंदर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट। तो बॉडी का टेम्परेचर टी और सराउंडिंग का कितना टी नॉट है, तो कितनी एनर्जी परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट करेगी, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। और एनी बॉडी के लिए यही चीज क्या हो जाएगी, एमिसिविटी, और ये टर्म आपके पास ऐसी आ जाएगी, एमिसिविटी। क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, रिफ्लेक्टेंस ये रही रेशियो ऑफ आर बाई क्यू, एब्जॉर्प्टेंस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेंस ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट है इसमें ये कुछ करना नहीं है आपको। नेक्स्ट है एमिसिव पावर, मैंने बता दिया एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट बता दिया इसमें और कुछ नहीं करना आपने इसमें। एमिसिविटी बता दी आपको, ई बाई ई रेशियो है। नेक्स्ट बता दिया ये कुछ नहीं करना, किरचॉफ लॉ की रेशियो बता दी, ई बाई ए कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर बता दिया प्रूफ आपको करना नहीं किरचॉफ लॉ का बिल्कुल भी। इसके अंदर स्टीफन लॉ, स्टीफन लॉ मैंने बता दिया पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी सिग्मा इंटू टी की पावर 4। नेक्स्ट मैंने ये बता दिया अगर सराउंडिंग के अंदर बॉडी है तो ये फॉर्मूला, तो ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद इसका प्रूफ करना नहीं है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं करना। नेक्स्ट है स्टीफन लॉ का एग्जाम्पल, इसमें ये बताया हुआ है टेम्परेचर बताओ परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जब वो एनर्जी एमिट कर रही है 5.66 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट्स का मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये मिसिव पावर है और ये बॉडी, इसमें अगर कोई मेंशन नहीं है कौन सी बॉडी है तो बाय डिफॉल्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेनी है। तो इसके अंदर ई का फॉर्मूला मुझे पता है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके यहां पुट करके सिग्मा की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, सॉल्व करके टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, जैसे ये रहा स्फेरिकल बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वॉट पावर। पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड है, पर यूनिट एरिया नहीं है। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। और अगर मैं पूछूं एनर्जी पर सेकेंड तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया। इसको पावर बोलते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया। स्फेरिकल बॉडी है तो एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि रेडियस को डबल कर दे, तो रेडियस डबल करने से एनर्जी पर सेकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो ये बताता है कि कोई भी आप एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी लें और ग्राफ प्लॉट करें कैपिटल ई, कैपिटल ई का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी वर्सेस जितनी वो रेडिएशन निकालेगा उसकी कोई वेवलेंथ होगी जो कांस्टेंट नहीं होती, इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे रेडिएशन निकलती हैं। तो मान लो आपने एक गर्म बॉडी ली 998 केल्विन के ऊपर, तो वो एनर्जी एमिट कर रही है, पहले एनर्जी कम फिर ज़्यादा फिर कम, तो ये रेडिएशन हैं जिसपे एनर्जी को एमिट किया जा रहा है। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया फिर कम फिर पीक फिर कम, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाया गया।
ये जो पीक वैल्यू हर बार अचीव हो रही है, जितना टेम्परेचर हाई है पीक पहले अचीव हो रही है, कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे अचीव हो रही है, जितना टेम्परेचर कम है लैम्डा उतना ही राइट है, तो पीक लेट शिफ्ट हो रही है। तो ये पीक शिफ्ट होती जा रही है टूवर्ड लेफ्ट, इसको बोलते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो ये कहता है लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। तो यानी कि जितना हाई टेम्परेचर होगा, लैम्डा एम का मतलब वो वेवलेंथ जब पीक वैल्यू अचीव हो गई थी, मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई थी लैम्डा एम, तो उतनी ही कम जल्दी अचीव हो जाएगी। लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आपको याद करना पड़ेगा। इसके अंदर दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं, और हाँ इसका जो एरिया है, एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये आपको दे एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, जो कि स्टीफन लॉ के साथ मैच करता है सिग्मा इनटू टी की पावर 4, ये याद रखना है इसमें। इसके अंदर जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, वो देगा कि वेवलेंथ ई मैक्स, मतलब वेवलेंथ जब एनर्जी मैक्स आ गई थी इसके इक्वल है, जब एनर्जी मैक्स होती है तो लैम्डा को लैम्डा एम बोलते हैं, तो आपको बताना है इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, तो लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट लगा के टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है इस टाइप से कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज अ मैक्सिमम एट दिस, लैम्डा एम गिवन है सन का, सन का टेम्परेचर भी गिवन है, आपको स्टार का टेम्परेचर बताना है जब उसका स्टार का लैम्डा एम गिवन है। तो क्योंकि लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, आपको सन का पता है, लैम्डा इंटू टी आपको स्टार का पता है, स्टार का टेम्परेचर बताना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, यहां से आंसर आ जाएगा।